असलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज का जो वीडियो है ना, ये किचन से रिलेटेड है, थोड़ा डिफरेंट है यूजुअली जो मेरा वीडियोस होते हैं ना उससे। मैं सारे ही DIYs लेकर आई हूँ जो कि हर किचन में यूज़ होते हैं। तो बस इसे लो बजट में हम कैसे बनाएं ये मैं आपको आज बताती हूँ। तो ये देखिए, मेरे पास वॉच था, एक वॉल क्लॉक, उसका मैं क्या कर रही हूँ, अंदर का जो प्रिंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन और बोरिंग सा है, तो किचन में ये क्लॉक को मैं लगाने वाली हूँ। तो उसी प्रिंट आउट निकाल ली हूँ इंटरनेट से, इजीली ये 10-15 रुपीस में निकल जाएगा। और उसके बाद ना हम बीच से इसे इस तरीके से कट कर लेंगे और बस इसे पेस्ट कर देंगे फेविकॉल से। और हाँ, जब आप पेस्ट कर रहे हो ना तो अंदर का जो आपके नंबर्स है और बाहर आपका जो प्रिंट आउट के नंबर्स है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, वरना टाइमिंग में गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, तो पेपर में इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर दी हूँ और उसके बाद इसका ग्लास फ्रेम लगा दूंगी और फिर जो साइड का येलो फ्रेम है ना उसे भी लगा दी हूँ और बस स्क्रू वगैरह लगाकर हम टाइट कर देंगे इसे। तो ये देखिए, एकदम जबरदस्त ही हमारी घड़ी बनके रेडी हो गई है, एग्जैक्टली मैच कर रही है ना किचन से। अच्छा, तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि हम मोस्ट ऑफ द घर में ना ये यूज होता है। मतलब हम जो भी सामान लेकर आते हैं अगर वो खाली हो जाता है तो उसे हम किसी और चीज़ के लिए यूज कर लेते हैं। तो वो कंटेनर्स को मैं अच्छी तरीके से वॉश कर ली, तो देखिए किस तरीके से चमक रहे हैं, एकदम क्रिस्टल क्लीन हो गए हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके लिड्स वगैरह को भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए, मैं इसे ना पेपर टेप से पेस्ट कर रही हूँ। वो किस लिए कर रही हूँ मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो ये पेपर टेप है, इससे मैं पेस्ट कर दी हूँ। और साथ में है ये फैन ब्रश, और ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये जेसो भी कहते हैं, इसे प्राइमर भी कहते हैं, ये होममेड है। अगर तो बस इसे मैं अच्छी तरीके से प्राइमर लगा दी हूँ। प्राइमर लगाने के बाद ना ये देखिए, वाइट एक्रेलिक पेंट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। मेरे पूरे बड़े कंटेनर्स पे ना मैं लगा चुकी हूँ, तो फिर सोची हूँ कि मैं छोटे के ऊपर शेयर कर लूँ, आगे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो बस सिंपली आप प्राइमर लगाने के बाद या फिर जेसो लगाने के बाद ना, फिर जो भी आपको जिस कलर से भी आपको पेंट करना है वो आप लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा वाइट कंटेनर बिल्कुल रेडी हो गया है, ड्राई भी हो गया है। तो आगे इसके ऊपर ना हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे ताकि इस पर एक अच्छी सी क्यूट सी लुक आए। तो यहाँ पे आप ब्रश नंबर नोट कर लीजिएगा। तो पिंक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके ऊपर ना मैं मतलब छोटे छोटे हार्ट्स ड्रॉ करूँगी। बहुत ही ईजी वे में ये बन जाएगा, कोई भी ड्रॉ करेंगे ना तो ईजिली बन जाता है ये। तो देखिए, लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट, वाइट के साथ पिंक एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है ना। तो देखिए सारे ही रेडी हो गए हमारे कंटेनर्स। ये अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है काम, ऑलमोस्ट 50% हमारा काम हो गया है। आगे इसके साथ और क्या करना है वो भी देखिएगा। और ये जो सारे बड़े कंटेनर्स है ना, इसको भी मैं रेडी कर दी हूँ। दोनों मिलाकर ना अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 कंटेनर्स है। और इसका जो प्लास्टर आपको दिख रहा है ना, इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए ना वार्निश यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा कलर जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और वार्निश आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे एशियन पेंट्स का ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो इट्सी बिट्सी से या फिर और कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, लेकिन वार्निश आपको कंपलसरी यूज करना है। तो बस इसे मैं ऊपर से अप्लाई कर दूंगी। अप्लाई करने के बाद ना एक मतलब प्लास्टिक जैसी इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आप इसे वॉश भी करोगे ना रनिंग वाटर में, तो ये हमारा जो पेंट है ना वो ख़राब नहीं होगा। अच्छा, तो इतना सारे काम के बाद ना बीच में कप ऑफ टी ज़रूरी है, ताकि आगे का काम ना बिल्कुल रिलैक्स होके कर सके। अच्छा, तो गाइज अब आती है बारी कंटेनर की लिड्स की। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ गिफ्ट रैपिंग पेपर जो होता है ना, उसको मैं यहाँ पे ले ली हूँ। और इसके ऊपर ना हम रख देंगे इसका कैप। रखने के बाद ना इसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें इजी हो कट करने में। और उसके बाद ना इसका साइड वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और डबल राउंड ड्रॉ करने के बाद ना हम फिर इसका शेप में कट कर लेंगे।
तो बस इसी तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। जो आउटर लाइन है ना, वहाँ से आपको कट करना है ताकि हमारा अपर सरफेस जो है ना कैप का, वो भी आ सके और साइड भी कवर हो सके। तो बस हम आउटर साइड की लाइन को कट कर लेंगे एग्जैक्टली मेजर लेकर। उसके बाद ना ये पेपर के ऊपर हम फेविकॉल लगाकर ढक्कन जो है ना उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे। और साइड्स का जो पार्ट है ना उसको हम सीजर की हेल्प से थोड़ी थोड़ी दूर पे कट कर लेंगे और इसे भी फोल्ड कर देंगे ताकि फोल्डिंग में ना थोड़ी आसानी हो। अगर कुछ भी एक्सेस आ जाएगा ऊपर से तो इस तरीके से कट कर लीजिएगा। और ये पेपर जो कि थिक होता है गिफ्ट रैपिंग पेपर, तो बस वाटर स्प्रे कर रही हूँ मैं यहाँ पे ताकि वो पेपर थोड़ा थिन हो जाए। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे डेको मैजिक ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। अगर आप घर पे बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। फेविकॉल के अंदर ना एक स्पून आप फेविकॉल डाल रहे हो तो एक स्पून वाटर मिक्स कीजिएगा और फिर उसे अप्लाई कर दीजिएगा तो ये पेपर ना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा लिड के ऊपर। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाती हूँ जिसपे मैं डेको मैजिक नहीं लगाई हूँ। वो देखिए कितना ड्राई ड्राई दिख रहा है। और डेको मैजिक लगाने के बाद ना एकदम इस पे ग्लॉसी शाइन वाला इफेक्ट आएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि ये कंटेनर्स ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इसका डिज़ाइन पैटर्न वगैरह, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन लिड की जो क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा लो है और उसके ऊपर थोड़े से लाइंस वगैरह भी आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा डल दिख रहा था। सोची कि इसके ऊपर भी हम कुछ कलर किया जाए, तो पहले मैं प्राइमर यहाँ पे लगा रही हूँ, जेसो लगा रही हूँ, और उसके बाद ना मल्टी कलर कलर में लगा दूँगी, 4 डिफरेंट कलर। आप चाहो तो एक कलर भी लगा सकते हो। तो बस तीनों चीज़ें अप्लाई करना ज़रूरी है, प्राइमर, कलर एंड देन वार्निश। ये तीनों चीज़ें लगाने से ना आपका जो भी आप कलर कर रहे हो प्रोडक्ट पे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अच्छा, तो गाइज़ एक और DIY की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाय का जो कुल्लड़ होता है ना, ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मार्केट से भी लेंगे ना तो 15-20 रुपए में ये आराम से मिल जाता है, तो बहुत ही लो प्राइस में ना अच्छा खासा ये बन रहा है। एक्चुअली मैं जितने भी आपको यहाँ तक DIYs बताई हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा लो बजट और क्यूट क्यूट से DIY बताई हूँ, राइट। तो बस अगर आपको प्लांट्स वगैरह रखना है ना तो इसके अंदर आप थोड़ा पानी वगैरह डाल के ना इसके अंदर प्लांट्स भी रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अच्छे दिखेंगे। तो बस यहाँ पे मैं ना ब्लू कलर और ग्रीन कलर लगा दी हूँ इसके बॉटम में, और टॉप पे ना येलो कलर अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा ये दोनों ही कलर्स के साथ। और इसके बीच में मैं वही पिंक कलर का ना हार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर दूंगी, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और मुझे अच्छे भी दिख रहे हैं ये। अच्छा, तो गाइज आज के वीडियो का ना फाइनल DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कार्डबोर्ड जो है ना, वो कोई भी अपने पास स्टोरेज बॉक्स वगैरह होता है ना, तो उसका ही कार्डबोर्ड मैं कट कर ली हूँ इस शेप में। आपको जो भी फ्रेम चाहिए, मतलब जिस साइज़ का भी फ्रेम चाहिए उस साइज़ में आप कट कर लीजिएगा। और जो शीट्स वगैरह है प्लेन वाइट शीट, उसको भी मैं वही शेप में कट कर ली हूँ, वही साइज़ में। और नीचे फेविकॉल लगा कर ना इस पेपर को पेस्ट कर दी हूँ। और मेरे पास ना एक्चुअली कलर कलर के पेपर्स नहीं थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना ब्लू, येलो, पिंक इस तरीके से अलग अलग कलर के फ्रेम बना रही हूँ। ये तीनों ही फ्रेम्स रेडी हो गए हैं, ड्राई भी हो गया है, तो इसे मैं ना पेपर के रोल्स बनाकर ना इस तरीके से फ्रेम बना ली हूँ। एक्चुअली ये मेरे पास घर पे रखा हुआ था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये पेपर फ्रेम नहीं भी है ना, तो आप ब्लैक टेप जो होता है ना उसके साथ आप बॉर्डर लगा लीजिएगा चारों तरफ से और फ्रेम आपका बन जाएगा। अच्छा, तो अब मैं इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल क्वोट्स लिख रही हूँ ताकि हर वक्त मोटिवेट रहूँ। आजकल बहुत ज़्यादा लो होते रहती हूँ मैं जब, तो इसलिए ना इस तरीके के फ्रेम सीनरीज घर में होना ज़रूरी है, स्पेशली किचन वगैरह में। तो जब भी हम लो फील करें ना तो फिर इसे हम देख लिए, पढ़ लिए तो ना बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं वही क्वेट्स लिख रही हूँ।
बस यहाँ पे हमारे फ्रेम्स बन के रेडी हो गए हैं। इसको हाईलाइट करने के लिए ना मैं यहाँ पे डॉट लगा रही हूँ, पिंक के ऊपर येलो, ब्लू के ऊपर पिंक, इस तरीके से डॉट्स लगा रही हूँ ताकि ये हाईलाइट हो सके और भी ज्यादा खूबसूरत उसको रख दी हूँ। अच्छा तो अब आ गई है बारी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग काम करने की, जो कि इसका प्लास्टर निकालने की। ये प्लास्टर लगाने का मकसद यही था कि अंदर कंटेनर्स में क्या है वो बाहर से ही दिख जाए लिड ओपन किए बिना। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल, एलिगेंट और प्रीटी लग रहा है। और जिस लिड्स पे हम मल्टी कलर्स अप्लाई करे थे ना, वो ये रहे कंटेनर्स, जो कि ये भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं ना, एकदम न्यू लग रहे हैं ये भी। अच्छा तो जो सीनरीज हम बनाए थे वो भी यहाँ पे इस वॉल पे प्लेस कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड सेट कर रहे हैं। तो अच्छा, आप लोग को वीडियो आज का कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।